कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर एट 1 atmospheric प्रेशर, एट 1 atmospheric प्रेशर। At 1 atmospheric pressure, is called latent heat of vaporization. Is called latent heat of vaporization. एक मिनट बेटा, हाँ बेटा, किसी को डाउट है इसमें? यस ठीक है, लेटेंट हीट आपका सीबीएसई के बुक में तो नहीं है, एनसीईआरटी बुक में है क्या लेटेंट हीट? नहीं नहीं पढ़ाया गया होगा, बट ऐसे है क्या, मतलब बुक्स के अंदर? हाँ सर है, सर के अंदर है। अच्छा यस सर, चलिए तो बढ़िया है फिर, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे why temperature remains constant during melting and boiling. Why temperature remains constant during melting or boiling? Why temperature remains constant during melting or boiling? सर ये क्वेश्चन है ना? हाँ 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 ठीक है, एक क्वेश्चन ही है, दूसरा क्वेश्चन है उसका भी आंसर एक ही होगा, इसीलिए सेकंड क्वेश्चन भी लिख लीजिए। Where does latent heat go? Where does latent heat goes? Latent heat goes, कहाँ गया latent heat? ठीक है, तो बताइए कहाँ जाता है latent heat? Where does the latent heat go? सर बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है वहां पर latent heat चला जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, वी नो, हम लोग पढ़ चुके ना, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सो सर वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है। Not only van der Waals force of attraction, there are multiple forces of attraction such as dipole-dipole interaction, hydrogen bonding. Then comes van der Waals. पानी में van der Waals नहीं है, पता है? Water में ना, या most of the liquid में van der Waals forces नहीं होते। Most of the liquid के अंदर van der Waals forces क्या होता है सर? क्या बेटा? सर जो आप बोल रहे हैं van der Waals forces जो भी है सर, वो क्या होता है सर? बता रहे हैं, मान लीजिए कि दो लोग आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस अट्रैक्शन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा या अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक हो सकता है। इफ अट्रैक्शन इज वेरी वीक, दैट इज नोन एज van der Waals अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अभी जानने वाली बात नहीं है, आपको कुछ और लिखना है मैं बता दूंगा। दैट इज नोन एज van der Waals अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, आपको क्या लिखना है, जो आपको लिखना है, लिखना ये है कि द एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। सीधी सी बात, क्या लिखना है? एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स। इसमें किसी को डाउट?
इसमें किसी को डाउट है बेटा? सर रिपीट, एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स. एनर्जी गोज इन ओवरकमिंग व्हाट? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स. इसमें किसी को डाउट? नो सर. नो सर. So where does latent heat goes? It is used for overcoming intermolecular attractive force. समझ में आया? Now intermolecular attractive force आप जानने के लिए लिख लीजिए, कभी आएगा नहीं. एक होता है hydrogen bonding. ये extra knowledge है, ठीक है. दूसरा होता है dipole इंटरैक्शन. एंड लास्ट होता है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ है बट सब नहीं लिखा रहे, वैंडरवॉल अट्रैक्शन. वैंडरवॉल अट्रैक्शन, ठीक है. तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेटेंट हीट गोज फॉर, लेटेंट हीट इज यूज फॉर ओवरकमिंग intermolecular attractive force such as hydrogen bonding, dipole interaction and van der Waal forces. Yeah, van der Waal attractive force. Okay, all three are actually attractive force. Isme kisi ko doubt? No sir. Ye log ek bhai ye hydrogen, ye log kuch log join hi nahi kar pa rahe. Ayushi Singh Sardar, Sagarika Chandra, इन लोग को ज्वाइन अलाउ करते, ये लोग कर ही नहीं पा रहे. इनका नेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम. हाँ, बाकी लोगों को तो पूरा समझ में दिख रहा है ना आराम से? हाँ सर. यस सर. यस. ये बेचारे कब बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, बट कोई हेल्प नहीं कर सकता मैं इनकी. सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डिपोल इंटरैक्शन से ये भी थोड़ा एक बार बता दीजिए सर, क्या है? नहीं समझ आ रहा है. बेटा ये अभी समझने के लिए है ही नहीं. ये सब होता है ना शो ऑफ के लिए. शो ऑफ समझते हैं? हाँ सर. बस दिखाने के लिए सामने वाले को, सामने वाले के सामने हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंटरैक्शन, वैंडरवाल फोर्स का नाम ले लीजिए, सामने वाला आपको पता नहीं कितना बड़ा साइंटिस्ट समझेगा, ठीक है. देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझना है, डाइपोल इंटरैक्शन, वैंडरवाल फोर्सेस ना, ये अभी नहीं हो सकता. ये आप इसके लिए आपको क्लास 11th में समझाया जा सकता है, या जब एडवांस क्लासेस होगी तब बता सकते हैं, ठीक है सर. हाँ बेटा. सर ये आइस वगैरह में भी कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ होता है ना सर? हाँ, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. बहुत बढ़िया. टाइटैनिक क्यों डूबा था? आइसबर्ग से टकरा गया था. आइसबर्ग से टकरा गया था. आग भी लग गया था. आग भी लग गया था. आग लग गया था सर. नहीं, टाइटैनिक उस कारण से नहीं डूबा था. दैट वाज नॉट द रीजन. सर लीक हो गया था सर. उसका मेटल कॉन्ट्रैक्ट था. उसका क्या कॉन्ट्रैक्ट था? जो मेटल से वो बना हुआ था. अच्छा, नहीं नहीं, वो भी रीजन नहीं है सर. उसमें पानी भर गया था, इसी पानी भर गया था उसलिए, ठीक है. चलिए, वो भी रीजन नहीं है सर. तो फिर रीजन क्या है? रीजन क्या है? देखिए, ये मुद्दे की बात करते हैं, ये इधर उधर नहीं भटकते. रीजन है बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर, या आइस फ्लोट्स ओवर वाटर. मान लो अगर आइस वाटर के ऊपर फ्लोट नहीं करता तो आइसबर्ग बनता ही नहीं, और उससे वो टकराता ही नहीं ना, उसको हिट किया ना. तो रीजन इज व्हाट? आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. हाँ, वो आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, ये सिंपल सा रीजन है. बताइए आप लोग क्या सोच रहे थे? एंड नाउ व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर? बिकॉज इट हैज अ
cage-like structure. Excellent, because it has cage-like structure. ठीक है, because it has cage-like structure, that's why. सर उसको lattice बोलता है. क्या बेटा? सर उसको lattice बोलते हैं. नहीं बेटा, ये lattice क्या होता है बेटा? सर cage-like structure का क्या नाम है? हाँ? सर cage-like structure का असली में क्या नाम है? उसका नाम है cage-like structure. बिल्कुल सही, that is called cage-like structure. Lattice is something totally different. ठीक है, कहीं कहीं आपको दिख जाएगा. कहाँ से देख के पता है आप? सर कहीं से नहीं, सर पढ़ा था एक जगह. पढ़े थे? कहाँ पढ़े थे? सर लाइब्रेरी में एक बुक था वहां पर. बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है, चलिए. तो आइस फ्लोट्स ओवर वाटर बिकॉज ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर, एंड दैट केज लाइक स्ट्रक्चर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता देन आइस विल नॉट फ्लोट ओवर वाटर एंड टाइटेनिक मूवी नहीं बनती. ठीक है, तो टाइटेनिक मूवी बनी बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बॉन्डिंग बिल्कुल सही, दैट इज द रीजन. ठीक है, क्लियर ये बेटा? चलिए, तो हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस कर लिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिस्कस कर लिया है. नेक्स्ट क्या हम लोग को डिस्कस करना है, कोई बताएगा? सर चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आई थिंक. चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, इवापोरेशन. हाँ, इवापोरेशन डिस्कस करना है. बाकी तो हम लोग चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, अच्छा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डिस्कस किए थे बेटा? हाँ सर, हो गया था. नहीं हुआ था मेरे याद से बेटा? सर आपने ही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था, इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना इफेक्ट ऑफ प्रेशर? नो सर. ठीक है, नो सर. ठीक है, तो अब लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. ठीक है ना, we know liquid will boil at a given temperature. That is, for example, water boils at 100 degree Celsius. ठीक है, घर पे आपके पास रेफ्रिजरेटर होगा? आया ना? ठीक है. Yes sir. ठीक है. Yes sir. आज आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा. आप लोग दो छोटे छोटे आइस के ब्लॉक लीजिएगा. ठीक है, उन दोनों आइस के ब्लॉक को अच्छे ज्वाइन करके प्रेस कीजिएगा. मींस एक आइस का ब्लॉक आपने लिया, दूसरा आइस का ब्लॉक लिया, फिर इधर से आपको प्रेस करना है और फिर इधर से आपको प्रेस करना है. ठीक है, और फिर हाँ उसको फिर रिलीज कर दीजिएगा. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? दीज टू आइस ब्लॉक विल स्टिक, स्टिक चिपक जाता है वो. Now you have to tell me why this happens. Sir, जब दोनों apply pressure from both sides. Sir, वो regulation के लिए होता है. Sir, जब pressure देते हैं तो उस point में temperature थोड़े time के लिए बढ़कर वो water एक साथ आकर sir फिर से freeze होकर वो जम जाते हैं. इसलिए sir वो दोनों एक हो जाते हैं. ठीक है, partially correct. और कोई try करेगा? Anyone else? किसी और को पता है? घर में किसी ने ट्राई किया है ये काम करना? मैंने तो नहीं. आज बिल्कुल ट्राई कीजिएगा. ठीक है, आज आपको ट्राई करना चाहिए. ठीक है, क्या बेटा? शॉल. शॉल
बर्फ का गोला खाया कभी? बर्फ का गोला सर आइसक्रीम के साथ ट्राई किया था एक बार। आइसक्रीम के साथ? अच्छा आइसक्रीम देखिए कभी कभी आपके टंग पे चिपक जाता है, बहुत ठंडा होता है तो नहीं हुआ कभी? स्टीक वाला कभी कभी, बहुत रेयर है बट इट हैपेंस समटाइम्स। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज चॉकोबार में नहीं होता, चॉकोबार में नहीं होता है बेटा, अब इतना भी मत डराइए लोगों को। वो होता है ना फ्रीजी टाइप होता है, वो मोस्टली स्टिक सर, वो आयरन रॉड्स के साथ परमानेंटली स्टिक हो जाता है। इसके साथ बेटा रॉड्स और समथिंग लाइक मेटल वो सब ठंडा में परमानेंटली? नहीं बेटा मेटल के साथ स्टिक नहीं करेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज यू टेक टू ब्लॉक ऑफ आइस देन प्रेस दिस टुगेदर देन दिस विल स्टिक टुगेदर। ठीक है, बर्फ का गोला खाए कभी? आजकल बर्फ का गोला नहीं बिकता है पता है, मतलब मोस्टली 10-15 इयर्स पहले ना ये बर्फ का गोला बहुत कॉमन था। ठीक है, और वन ऑफ द फेवरेट मतलब अलग अलग फ्लेवर्स होता है तो मुझे एक भी फ्लेवर पसंद। अच्छा हाँ फ्लेवर्स की बात ठीक बोल रहे आप, वो एक्चुअली क्या है ना आजकल ना उससे मच बेटर है वो आ गए ना आइसक्रीम वगैरह, पहले वो हम लोग का फेवरेट हुआ करता था आइसक्रीम। मतलब ये चोकोबार वगैरह कब आया है, मींस आपको क्या लगता है कि चोकोबार कब आया है? कब सर? 1998 नहीं बेटा, मैं जब क्लास 7th या 8th में था ना तब पहली बार मैंने चोकोबार टेस्ट किया था, नॉट बिफोर दैट, बिकॉज आसनसोल में वो अवेलेबल ही नहीं था। पहले हम लोग को वो आप लोग को अभी मिलेगा नहीं, वो एक रुपए का वो 25 पैसे का एक आइसक्रीम आता था वो मिलता था। ये सब चोकोबार पिस्ता बार ये कॉर्नेटो कुल्फी नहीं बेटा, ये एक मटका कुल्फी नाम का एक हुआ करता था एंड दैट इज आई थिंक वो काफी पहले स्टार्ट हुआ, बट दिस चोकोबार कॉर्नेटो ये बहुत रिसेंट एडिशन है, मीन्स मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर यू आर बॉर्न देन ओनली दिस विल एडेड इन द लिस्ट, नॉट बिफोर दैट। 2000 सर तारी समन पर मूवी में देखे थे सर, बर्फ का गोला खा रहा। कौन सी मूवी में सर? तारे जमीन पर सर, वो ड्रॉ भी किया था। तो पहले बेटा यही मिलता था, मैं बता रहा हूँ बर्फ का गोला को आप देखिएगा। व्हाट आई एम सेइंग इज यू टेक दैट, व्हाट डू दे डू इज वो लोग एक ब्लॉक ऑफ आइस लेते हैं और फिर उसको क्रश करते हैं, देखिए क्रश करते हुए। यस सर। एंड दे विल क्रश टू पाउडरी फॉर्म, पाउडरी आइस हो जाता है, फिर उसको वो एक ग्लास में फिल करते हैं छोटे से ग्लास में, फिर उसको प्रेस करते हैं। ठीक है, और फिर उसको वो क्या करते हैं कंप्रेस करने से उसका वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है और फिर वो आपस में स्टिक करता है। व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेनेवर यू विल टेक आइस एंड इफ यू विल प्रेस दैट इट विल स्टिक, वो चिपक जाता है उसके बाद हटेगा नहीं। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग, बिकॉज प्रेशर इज चेंजिंग द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस या वाटर। What is the melting point of water? Melting point of water is 0 degree. Melting point of water. Sir, 0 degree Celsius. Yeah, melting point of ice, beta. Freezing point of water. Yeah, melting point of ice. 0 degree Celsius. Zero degree. ठीक है. Now, what if I increase the pressure over ice? What if I increase the pressure over ice? क्या होगा फिर? बताइए सर। इंक्रीजिंग प्रेशर से सर चेंज मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और भर लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हाँ बेटा लिक्विड में चेंज होगा। देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर इज डिफरेंट अपॉन वाटर और आइस कंपेयर टू अदर सॉलिड, मीन्स आयरन को आप कंप्रेस करेंगे या प्रेस करेंगे तो उसका बिहेवियर डिफरेंट डिफर करेगा कंपेयर टू दैट ऑफ आइस। आइस और वाटर हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर, हमेशा याद रखिएगा वाटर और आइस दे हैव एक्सेप्शनल बिहेवियर या एनोमलस बिहेवियर, बिहेवियर का नाम है एनोमलस। समझ में आया? एनोमलस, एनोमलस मीन्स out of ordinary, not common.
ठीक है, एनामलस मीन्स नॉट कॉमन. फॉर एग्जाम्पल वॉटर एट 1 degree Celsius एंड वॉटर एट 2 degree Celsius, विच विल ऑक्युपाई मोर वॉल्यूम, 1 degree Celsius वॉटर और 2 degree Celsius वॉटर? सर 1 degree Celsius. सर 2 degree Celsius. 2 degree Celsius और 1 degree Celsius? सर 2 degree Celsius. सर बट डिपेंड्स अपॉन द सर कंटेंट. सेम. इट डिपेंड्स अपॉन द कंटेनर, मतलब नहीं बेटा लिक्विड है तो ये कंटेनर पे क्या डिपेंड करेगा बताइए आप ही. अब सुनिए बात को. So I have water and I have alcohol, 1 degree and 2 degree Celsius. Now 2 degree Celsius of water, whenever we are heating something, that substance expands or contract? बताइए. Expands. So if it's expanding, that means the volume will increase. सर लेकिन वाटर के साथ वैसा नहीं होता है, मतलब वाटर कहते हैं कि ठंडा प्लेसेस में क्यों कोल्ड ड्रिंक्स और ये सब का बॉटल फट जाता है, क्योंकि वो एक्सपैंड करता है. बहुत बढ़िया बेटा, उसी पे आ रहा है सर. वो एक्सेप्शन है. वो सर वो एक्सेप्शन है. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ. Water has anomalous behavior means alcohol at 1 degree Celsius will occupy less volume compared to alcohol at 2 degree Celsius, but water at 1 degree Celsius occupy more volume compared to water at 2 degree Celsius, and this keeps continuing up to 4 degree Celsius. Means at what temperature water occupies minimum volume? At what temperature? Sir, 4 degree. 4 degree Celsius. And at 0 degree Celsius, water occupies more volume. That's why more volume matlab what? Density is less. Less. And if density is less, it will float. That's why icebergs floats over water, because ice is less dense than water. That means 0 degree Celsius ice will occupy more volume compared to same amount of water. ठीक है. The effect of change of pressure जो होगा ना, different solid में differ करेगा. Alcohol के में and water में the effect of change of pressure will be different. वाटर में थोड़ा ऑपोजिट होता है. क्लियर है? कंपेयर टू अदर सब्सटेंस. क्लियर है ये? तो लिखेंगे चेंज इन प्रेशर विल कॉज Change in melting and boiling point. Melting and boiling point. Sir. हाँ बेटा. जो आप anomalous behavior बोले ना liquids का, तो सर ये मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर द टेंडेंसी ऑफ अ सब्सटेंस टू हैव डिफरेंट डेंसिटीज एट डिफरेंट टेंपरेचर इज नोन एज एनोमलस. नहीं, ये नहीं होता बेटा. एनोमलस मींस होता है क्या बात है, व्हेनेवर यू आर हीटिंग एनी अदर सब्सटेंस, व्हेनेवर वी हीट अदर सब्सटेंसेस इट विल एक्सपैंड, बट वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 0 to 4 degree Celsius. दिस बिहेवियर ऑफ वाटर acting or behaving opposite of other substances will be known as what? Anomalous behavior of water. समझ में आया?
दिस बिहेवियर विल बी नोन एज एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. क्लियर है बेटा? ये सर इसका डेफिनेशन लिखवा दीजिए ना. इसका एनामलस बिहेवियर का? हाँ सर. यस सर. इसके पहले क्या लिखवा रहे थे? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर लिखवा रहे थे ना. चेंज इन प्रेशर विल कॉज चेंज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये लिखवा रहे थे ना इसके पहले. यस सर. ठीक है. अच्छा हम लोग को रिजॉइन करना होगा. ठीक है, मैं जस्ट भेज रहा हूँ. कल से ये रिजॉइन वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा. कल से वो आपका जो प्राइम अकाउंट है वो ले लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जूम का ये जो मीटिंग है मोर और लेस क्वालिटी ठीक ही लग रहा है. ठीक है, मोर और लेस क्वालिटी इज ओके. है ना सर? सेम आईडी? सेम आईडी अभी तो देखते हैं बेटा. ये तो जूम का तो मैं आज ही यूज कर रहा हूँ. आई डोंट नो, मैं आपको आईडी शेयर करता हूँ. बट सेम आईडी कैसे रखा जाएगा? हाउ टू कीप द आईडी सेम? सर सेम नहीं होगा. अब चलिए मैं, ठीक है मैं शूट, अगर नहीं होगा तो मैं फोटो खींच के भेजता हूँ. ठीक है, ठीक है. लेकिन टाइम एक्सटेंड नहीं किया जा सकता. एक बात पूछना है सर. बेटा सर एक बात पूछना बेटा, बाद इसके बाद दोबारा पूछते ना, दोबारा आकर. ठीक है, अभी खत्म होने वाला. ठीक है सर.